नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेंटा के सेपरेशन के बारे में, कि प्लेसेंटा का सेपरेशन और इसकी डिलीवरी किस तरह से होती है। इसमें हम देखने वाले हैं स्पॉन्टेनियस, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन और मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्लेसेंटा के सेपरेशन के बारे में। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, द वेरियस टेक्निक्स यूज टू डिलीवर द प्लेसेंटा एंड इट्स एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है वह थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान देखने को मिलती हैं, जिसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए या सेपरेशन के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो स्टेजेस होती हैं लेबर की, फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन देखा जाता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर फीटस की डिलीवरी होती है और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान प्लेसेंटा की डिलीवरी और सेपरेशन देखा जाता है। इट मींस जो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है वह थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान देखने को मिलती हैं। इसमें प्लेसेंटा और इससे जुड़ी हुई वेरियस मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी के लिए कई तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिनके बारे में हम आज लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थ्री कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स, यानी कि प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए तीन कॉमनली टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिसमें पहली है स्पॉन्टेनियस डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, सेकंड है कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन ऑफ प्लेसेंटा और थर्ड है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। यह तीन टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा प्लेसेंटा की डिलीवरी करवाई जाती हैं। इसमें सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। इसमें है स्पॉन्टेनियस डिलीवरी रेफर्स टू द नेचुरल एंड अनअसिस्टेड एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, यानी कि स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह नेचुरली यानी बिना कुछ किए अपने आप डिलीवर हो जाता है, एक्सपल्ड हो जाता है। अनअसिस्टेड मींस बिना किसी इंटरवेंशन के एक्सपल्ड आउट हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर की तरफ आ जाता है। यानी कि जो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होती है प्लेसेंटा की, इसके अंदर किसी भी तरह का इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्लेसेंटा अपने आप बिना किसी इंटरवेंशन के डिलीवर हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। इसके बाद हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि फीटस के बर्थ होने के बाद में द मिडवाइफ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्लोजली मोनिटर द मदर फॉर साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन सच हैज ए चेंज इन द लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ए राइज इन द यूट्रस और ए सडन गस ऑफ ब्लड। यानी कि फिटस की डिलीवरी के बाद, फिटस के बर्थ के बाद जो मिडवाइफ होती हैं
जो कि डिलीवरी को असिस्ट करती हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्लोजली मदर को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए सच है, जैसे कि चेंज इन द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ चेंज होती है उसके लिए। ए राइज इन द यूट्रस, यूट्रस की जो साइज़ होती है वह बढ़ जाती है। और सडन गस ऑफ ब्लड, अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है वेजाइना के थ्रू। इट मीन्स फिटस के बर्थ के बाद में जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए मॉनिटर करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, जिसमें प्लेसेंटा सेपरेशन के साइन को ऑब्जर्व करती हैं। इसमें प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन होता है इंक्रीज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, सेकंड है राइज इन यूट्रस साइज, और थर्ड है सडन गस ऑफ ब्लड, अचानक से ब्लड निकलता है इसके दौरान। इसके बाद हैं वंस द साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर ऑब्जर्व, द मदर इज़ इनकरेज्ड टू पुश जेंटली और बियर डाउन वाइल द मिडवाइफ प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस। यानी कि जब मदर के अंदर प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन दिखाई दे, देखने को मिले, उसके बाद जो मिडवाइफ होती हैं वह इनक्रेज करती हैं मदर को, प्रोत्साहित करती हैं, पुश जेंटली, जेंटली यानी कि धीरे से फोर्स के लिए, जो मदर इंटरनल फोर्स लगाती हैं प्लेसेंटल डिलीवरी के लिए, उसे बियर डाउन एफर्ट्स कहा जाता है। इट मीन्स जब प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन दिखाई देते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो वह मदर को इनक्रेज करता है, प्रोत्साहित करता है फोर्स लगाने के लिए कि वह फोर्स लगाए, और जो प्लेसेंटा है उसकी डिलीवरी में हेल्प करे, सपोर्ट और गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसके बाद हैं विद द मदर एफर्ट्स एंड द कंटिन्यूइंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, द प्लेसेंटा डीअटैच फ्रॉम द यूटेराइन वॉल एंड एक्सपल्ड थ्रू द वेजाइना। यानी कि जब मदर एफर्ट्स यानी कि प्रयास करती हैं, फोर्स लगाती हैं कंटिन्यू लगातार, उस समय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से प्लेसेंटा डीअटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है यूटेराइन वाल से, जिस वाल से प्लेसेंटा अटैच होता है, चिपका हुआ होता है उससे अलग हो जाता है, और वेजाइना के थ्रू एक्सपल्ड मींस बाहर निकल आता है। इट मींस जब मदर प्रयास करती हैं, फोर्स लगाती हैं, उस समय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लेसेंटा को यूटेराइन वाल से डीअटैच करते हैं, अलग करते हैं, और अलग होने के बाद प्लेसेंटा वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। इसके बाद हैं सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड के अंदर जो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है वह नेचुरली देखने को मिलती हैं, अपने आप प्लेसेंटा सेपरेट होकर डिलीवर्ड हो जाता है बाहर। इसके बाद सेकंड मेथड हैं कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, जो कि उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब प्लेसेंटा अपने आप सेपरेट न हो और बार एक्सपल्ड ना हो। इसमें है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन इज़ ए टेक्निक्स यूज टू असिस्ट इन द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाय अप्लाइंग जेंटल ट्रैक्शन
टू द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शंस टेक्निक होती हैं, यह प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए और डिलीवरी के लिए यूज की जाती हैं। इसके अंदर अप्लाइंग जेंटल ट्रैक्शन, जेंटल मींस थोड़ा सा या बहुत ही कम, फोर्स ट्रैक्शन मींस फोर्स अप्लाई किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड पर, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड पर फोर्स लगाकर उसे बाहर की तरफ खींचा जाता है। ट्रैक्शन मींस खींचना अम्बिलिकल कॉर्ड को, जिससे कि प्लेसेंटा सेपरेट होकर बाहर डिलीवर हो जाए। इसके लिए कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन टेक्निक यूज़ ली जाती हैं। इसके बाद हैं, आफ्टर द साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर कन्फर्म्ड, द मिडवाइफ ग्राफ्स द अम्बिलिकल कॉर्ड क्लोज टू द मदर्स पेरिनियम यूजिंग स्टेराइल ग्लव्स एंड ए स्टेराइल टॉवल। यानी कि जब प्लेसेंटा के सेपरेशन के साइन ऑब्जर्व होने लगे और कन्फर्म प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए, उसके बाद में जो मिडवाइफ होती हैं वह अम्बिलिकल कॉर्ड को ग्राफ्स मींस पकड़ती हैं और टाइटली क्लोज टाइटली पकड़ती हैं, और जो मदर की पेरिनियम होती हैं वहाँ पर ग्लव्स और स्टेराइल टेक्निक्स से फोर्स लगाकर अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर की तरफ खींचती हैं, ट्रैक्शन लगाती हैं, जिससे कि प्लेसेंटा बाहर डिलीवर्ड हो जाता है वेजाइना के थ्रू। इसके बाद इसमें है अगला, विच द कॉन्ट्रैक्शंस विद ईच कॉन्ट्रैक्शंस हैज़ द मदर बियर्स डाउन, द मिडवाइफ अप्लाई कंट्रोल्ड जेंटल ट्रैक्शन ऑन द कॉर्ड एडिंग द प्लेसेंटास डिसेंड एंड डिलीवरी। यानी कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के साथ में जब मदर बियर डाउन एफर्ट्स या फोर्स लगाती हैं, उस समय मिडवाइफ कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड का यूज करती हैं, फोर्सफुली जेंटल फोर्स के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचती हैं, जिससे कि प्लेसेंटा डिसेंड मींस नीचे की तरफ आ जाता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। इट मींस जब मदर फोर्स लगाती हैं उसी समय पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स के साथ ही उसी समय पर मिडवाइफ के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचा जाता है, जिससे कि प्लेसेंटा नीचे डिसेंड हो जाता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है इस मेथड के अंदर। इसके बाद हैं इसका डायग्राम, जिसमें मिडवाइफ के द्वारा जो प्लेसेंटा हैं उसे सेपरेट कर डिलीवर किया जा रहा है। इसमें मिडवाइफ के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ा जाता है और फीटस और जो मदर होती हैं उसके पेरिनियम पार्ट पर जेंटल फोर्स अप्लाई किया जाता है सपोर्ट के लिए, और अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचा जाता है बाहर की तरफ धीरे से, जिससे कि प्लेसेंटा बाहर की तरफ डिलीवर्ड हो जाता है वेजाइना के थ्रू। इसमें बहुत ही जेंटल फोर्स यानी बहुत ही धीरे से फोर्स अप्लाई किया जाता है मिडवाइफ के द्वारा। इसके बाद हैं, द मिडवाइफ केयरफुली मॉनिटर द टेंशन ऑन द कॉर्ड एंड इंश्योर दैट द ट्रैक्शन इज अप्लाइड ओनली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग और यूटेराइन इन्वर्जन। यानी कि जो मिडवाइफ होती हैं वह केयरफुली मॉनिटर करती हैं कि जो
वह फोर्स लगा रही हैं, टेंशन मीन्स फोर्स, अम्बिलिकल कॉर्ड पर वह कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही लगाती हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, टू मिनिमाइज, कम करने के लिए रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग की रिस्क को कम करने के लिए, और यूटेराइन इन्वर्जन को कम करने के लिए। यूटेराइन इन्वर्जन मीन्स जब मिडवाइफ फोर्सफुली प्लेसेंटा के सेपरेशन को करे, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड को फोर्सफुली खींचती हैं, तब यूटेराइन और यूट्रस दोनों बाहर आ जाते हैं वेजाइना के थ्रू। इसे यूटेराइन इन्वर्जन कहा जाता है। इट मीन्स जो मिडवाइफ होती हैं वह कॉर्ड को जेंटली फोर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान फोर्स अप्लाई करती हैं, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग को और यूटेराइन इन्वर्जन को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके। यानी कि जो फोर्स ट्रैक्शन अप्लाई करना है वह कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही अप्लाई करना है। इसके बाद हैं थर्ड मेथड, मैनुअल रिमूवल, यानी कि जब प्लेसेंटा नेचुरल तरीके से डिलीवर्ड नहीं होता है, उस कंडीशन के अंदर मैनुअली मींस हैंड से, हाथों से प्लेसेंटा को रिमूव किया जाता है। इसमें हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा इज़ ए टेक्निक यूज व्हेन द प्लेसेंटा फेल टू सेपरेट स्पॉन्टेनियली और इफ़ द एक्सेसिव ब्लीडिंग। यानी कि जो मैनुअल रिमूवल टेक्निक्स होती हैं, यह प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं व्हेन, जब प्लेसेंटा स्पॉन्टेनियसली अपने आप सेपरेट न हो और दूसरी कंडीशन एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, उस कंडीशन के अंदर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा किया जाता है। इस टेक्निक के अंदर प्लेसेंटा का सेपरेशन हाथ के द्वारा मैनुअली किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टिपिकली एन ऑब्स्ट्रिशियन, अंडर स्टेराइल कंडीशन। यह टेक्निक एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जिसमें टिपिकली मोस्टली ऑब्स्ट्रिशियन, जो कि ऑब्स्ट्रिशियन होता है, वह परफॉर्म करता है स्टेराइल कंडीशन के अंदर। स्टेराइल मीन्स वहाँ पर फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म वाली कंडीशन में एकदम साफ सफाई से अप्लाई करता है। इसके बाद हैं द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंसर्ट ए हैंड इनटू द वेजाइना, लोकेट्स द प्लेसेंटा एंड जेंटली सेपरेट इट फ्रॉम द यूटेराइन वॉल यूजिंग दियर फिंगर्स और बाय स्कूपिंग द प्लेसेंटा आउट ऑफ द यूट्रस। यानी कि इस मेथड के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंसर्ट करता है हैंड को, एक हाथ को वेजाइना के अंदर, लोकेट द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का पता लगाने के लिए, और पता लगाने के बाद जेंटली सेपरेट प्लेसेंटा को धीरे से सेपरेट करता है, अलग करता है यूटेराइन वाल से, फिंगर का यूज करते हुए प्लेसेंटा को यूटेराइन वाल से अलग करता है, सेपरेट करता है, और इसके बाद स्कूपिंग द प्लेसेंटा आउट ऑफ द यूट्रस, और धीरे से प्लेसेंटा को बाहर की तरफ खींच कर एक्सपेल्ड कर देता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी करवा देता है। यानी कि इस मेथड के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने एक हैंड को वेजाइना के अंदर इंसर्ट करता है, इंसर्ट करने के बाद वह प्लेसेंटा का पता लगाता है, और पता लगाने के बाद
प्लेसेंटा को सेपरेट करता है यूटेराइन वाल से फिंगर्स के द्वारा, और अलग करने के बाद प्लेसेंटा को डिलीवर करवा देता है, बाहर की तरफ निकाल लाता है। इसके बाद है मैनुअल रिमूवल इज़ कंसिडर्ड ए सर्जिकल प्रोसीजर एंड इज़ परफॉर्म्ड अंडर एनेस्थीसिया और विद पेन रिलीफ टू मिनिमाइज डिसकम्फर्ट फॉर द मदर। जो मैनुअल रिमूवल मेथड होता है इसे सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म किया जाता है। एनेस्थीसिया पेन को रिलीफ करने के लिए और मदर के डिसकम्फर्ट को मिनिमाइज कम करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है मदर को। इसके बाद है इसका डायग्राम, जिसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वह वेजाइना के थ्रू हैंड को इंटर करता है और प्लेसेंटा को अपने फिंगर्स के द्वारा सेपरेट करता है, अलग करता है, और फिर इसे बाहर की तरफ डिलीवर्ड करवा देता है। इस मेथड के थ्रू इसे हम मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बाद हैं साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, यानी कि जो प्लेसेंटा सेपरेट होता है यूटेराइन वाल से, अलग होता है, अलग होने के बाद क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आल्सो नोन एज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड, जो प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है इसे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी कहा जाता है। इसके अंदर शामिल हैं पहला लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जब प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है उसके बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं उसकी लेंथ में क्या चेंज होता है, लंबाई में क्या परिवर्तन होता है उसे देखते हैं। द अम्बिलिकल कॉर्ड बिटवीन द बेबी एंड द प्लेसेंटा मे स्टार्ट टू लेंथन हैज द प्लेसेंटा बिगेंस टू डी अटैच फ्रॉम द यूटेराइन वाल, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं यह फीटस और प्लेसेंटा के बीच में होती हैं, और जब प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई बढ़ने लगती है जैसे ही प्लेसेंटा डी अटैच होता है यूटेराइन वाल से। यानी कि ओवरऑल प्लेसेंटा का सेपरेशन होने के बाद अम्बिलिकल लेंथ बढ़ जाती है। इसके बाद सेकंड है गस ऑफ ब्लड, अचानक से बहुत सारा ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। देयर मे बी ए सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना हैज द प्लेसेंटल सेपरेट एंड द ब्लड वेसल्स एट द प्लेसेंटल साइट ब्रेक, यानी कि जब प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है तब वेजाइना से बहुत सारा ब्लड सडनली बाहर निकलता है, एक्सपल्ड होता है, जो कि प्लेसेंटा की साइट के ऊपर, प्लेसेंटा की साइट पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ब्रीक होने के कारण, रप्चर होने के कारण देखने को मिलता है। इसके बाद हैं थर्ड साइन चेंज इन यूटेराइन शेप, प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद में यूटेराइन शेप और साइज़ में क्या चेंजेस होते हैं। द यूट्रस मे चेंज शेप एंड बिकम मोर राउंडेड हैज द प्लेसेंटा डी अटैच एंड मूव्स डाउन टुवार्ड्स द बर्थ कैनाल, यानी कि जब प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है यूटेराइन वाल से, प्लेसेंटा डी अटैच होता है, तब प्लेसेंटा के कारण जो यूट्रस होता है वह राउंडेड देखने को मिलता है,
गोलाकार देखने को मिलता है प्लेसेंटल सेपरेशन के बाद में। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। वुमेन मे एक्सपीरियंस एडिशनल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैज़ द प्लेसेंटा सेपरेट्स एंड इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। यानी कि प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं जो कि प्लेसेंटा को सेपरेट और एक्सपेल्ड आउट बाहर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।